नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 20 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज लोकसभा में पास हुए दो बिल्स के बारे में है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो इरिलेवेंट हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं, मतलब कि जिन सर्कमस्टांसिस में, जिन परिस्थितियों में उन कानूनों को बनाया गया था, आज वो परिस्थितियां, वो सर्कमस्टांसिस नहीं है, इसलिए आज उन कानूनों का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए सरकार अब उन सब कानूनों को जो पुराने हो चुके हैं, जिनका अब कोई फायदा नहीं है, उन्हें खत्म करना चाहती है। तो इसीलिए दो बिल्स पास हो गए हैं लोकसभा से। बिल्स के नाम इस प्रकार से हैं, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल फर्स्ट, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल सेकंड। तो इन दो बिल्स की सहायता से, जो कि अब पास हो गए हैं लोकसभा से, सरकार उन पुराने कानूनों को खत्म करना चाहती है। कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करें तो इस प्रकार से हैं, कैलकाटा पायलट्स एक्ट 1859, प्रिवेंशन ऑफ सीडीशियस मीटिंग, द गेंजिस टोल एक्ट 1867। ये सब जो कानून है, आज के समय में इनका कोई भी फायदा नहीं है। पुरानी परिस्थितियों के अनुसार ये सब कानून बनाए गए थे, लेकिन वो परिस्थितियां आज नहीं है, इसलिए सरकार रिफॉर्म लाना चाहती है और इन सब लॉज को रिपील करना चाहती है। उसी के लिए दो बिल पास हो गए हैं लोकसभा से। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ई सिगरेट्स के बारे में है। हमारे देश में ई सिगरेट्स की जो मार्केट है, काफी ज्यादा अनरेगुलेटेड है। वैसे काफी सारे राज्यों ने ई सिगरेट पे बैन लगा के रखा है, लेकिन अलग अलग लॉज के अकॉर्डिंग, मतलब कोई यूनिफॉर्म कानून नहीं है हमारे देश में ई सिगरेट से डील करने के लिए। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, सरकार ने तीन ग्रुप बनाए थे, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने तीन ग्रुप बनाए थे ई सिगरेट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए, मतलब लीगल इंप्लीकेशंस क्या होंगी, हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ई सिगरेट्स के। तो इन सब चीजों पे तीन ग्रुप्स बनाए थे हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उन तीनों ग्रुप्स ने अब अपनी रिपोर्ट जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंप दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री उन तीनों ग्रुप्स की रिपोर्ट को कंसीडर कर रही है, ताकि ई सिगरेट से डील करने के लिए पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कानून बनाया जा सके। अब देखो, ई सिगरेट्स की बात करें तो तंबाकू नहीं होता ई सिगरेट्स में, आप ये याद रखिएगा प्रीलिम के लिहाज से। निकोटीन होता है, जो कि एडिक्टिव मटेरियल है। तो हीट से निकोटीन की वेपर या फिर मिस्ट प्रोड्यूस होती है, जिसको स्मोकर्स इनहेल करते हैं। निकोटीन एक एडिक्टिव मटेरियल है, तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है। तीन संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। कौन कौन सी तीन संस्थाएं? सबसे पहले कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, दूसरे नंबर पे WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरे नंबर पे इनसीड। इनसीड ये फ्रांस का एक इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है। तो ये तीनों मिलकर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करती हैं। इस इंडेक्स में वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है उनकी इनोवेशन कैपेबिलिटी के आधार पर और 80 दूसरे इंडिकेटर्स के आधार पर। कौन सा देश कितना ज्यादा कैपेबल है अपने देश में इनोवेशन को लाने में, उसी के आधार पर रैंकिंग दी जाती है वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को। तो इंपॉर्टेंट ये है, इंडिया को कितनी रैंकिंग मिली है? इंडिया को रैंकिंग मिली है 60वीं 127 देशों में। तो यूपीएससी देखो यूं तो नहीं पूछती है कि इंडिया को कितनी रैंकिंग मिली है। इंडेक्स के बारे में कई बार डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ये सब चीजें। वैसे इंडिया की जो रैंकिंग है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, ये यूपीएससी पूछ सकती है, क्या पिछले 5 सालों में इंडिया की जो रैंकिंग है लगातार इंप्रूव हो रही है। इस प्रकार से फैक्ट्स को कंसेप्ट में कन्वर्ट करके यूपीएससी कई बार पूछ लेती है। तो देखो, अब 2016 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 66वीं, 66। 2015 में इंडिया की रैंकिंग थी 81वीं। तो लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है इंडिया की रैंकिंग में। अब पहला स्थान किसे मिला, दूसरा तीसरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे पहला स्थान मिला स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्वीडन को, तीसरा नीदरलैंड को, ये सब चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग, DIPP, CII, इन तीनों ने मिलकर इंडिया का खुद का एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, ताकि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी आपस में एक हेल्थी कॉम्पिटिशन हो और सभी राज्य अपने अपने राज्यों में इनोवेशन को प्रमोट करने की कोशिश करें। अब देखो WPI के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में, 1967 में। याद रखिएगा, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूएन से जुड़ी है, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है WPIO। काम ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट करना। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी WIPO के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग के बारे में है। व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग को रीडिस्कवर किया गया था 2011 में, 125 सालों के बाद में। ये मिलता है सिर्फ अगस्त्या हिल्स में, वेस्टर्न घाट में, केरला और तमिलनाडु में। व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग ट्री फ्रॉग की कैटेगरी से संबंध रखता है, मतलब कि बैम्बू ट्री के स्टेम के अंदर ब्रीड करता है व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग, और IUCN की लिस्ट के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आर्टिकल आया था इस पे, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, आप याद रखिएगा व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल फॉरेस्ट फायर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है?
सोमनकाडू वैली चारमाड़ी रेंज में फॉरेस्ट फायर्स को रिपोर्ट किया गया है। पहले आप ये बताइए, सोमनकाडू वैली चारमाड़ी रेंज कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है सोमनकाडू वैली चारमाड़ी रेंज। यूपीएससी कई बार रीजन्स पूछ लेती है प्रीलिम में, तो देखो रीजन्स की बात करें जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लगती है, दोनों तरह के रीजन्स हो सकते हैं, नेचुरल रीजन्स, मैनमेड रीजन्स। नेचुरल रीजन्स की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो जंगल में, या फिर बैम्बू के जो ट्रीज हैं आपस में टकराएं, ड्राई बैम्बूज के ट्री आपस में टकराएं, या फिर जंगल में बिजली गिरे, इन सब चीजों की वजह से फॉरेस्ट में आग लग सकती है, ये नेचुरल रीजन्स हैं। अब मैनमेड रीजन्स की बात करें तो काफी सारे हैं, जैसे टूरिस्ट जाते हैं काफी सारे जंगल में, बीड़ी सिगरेट को अगर जलता छोड़ दे तो इसकी वजह से आग लग सकती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक रीजन है, और कुछ फार्मर्स पशुओं को भगाने के लिए आग लगाते हैं, तो इन सब रीजन्स की वजह से आग काफी फैल जाती है, तो ये मैनमेड रीजन्स हैं। तो दोनों तरह के रीजन हो सकते हैं अगर यूपीएससी प्रीलिम में कुछ ऑप्शंस देती है कि रीजंस बताइए जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग सकती है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई थी किसानों को ओबीसी स्टेटस देने की मांग के लिए। पिटिशनर ने कहा कि किसानों की हालत जो है हमारे देश में अच्छी नहीं है, इसलिए किसानों को ओबीसी स्टेटस के तहत में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर्स को नोटिस सेंड किया है, गुजरात सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को। पिटिशनर ने कहा कि इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था, क्वांटिफिएबल डेटा के आधार पर किसी भी क्लास को रिजर्वेशन यानी ओबीसी स्टेटस दिया जा सकता है। तो देखो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ओबीसी में जो सी है वो कास्ट नहीं है, सी क्लास है, इसीलिए कुछ अब लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स को भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो किसी भी क्लास को क्वांटिफिएबल डेटा के अनुसार में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ओबीसी स्टेटस दिया जा सकता है इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अनुसार। पिटिशनर ने यह भी मांग की कि सरकार एक सर्वे रिपोर्ट पेश करे और एक रिव्यू रिपोर्ट पेश करे, ताकि पहले जिन भी क्लास को ओबीसी स्टेटस दिया गया था तो क्यों दिया गया था, उनसे क्या फायदा हुआ, उन क्लासेस की सिचुएशन में कितना इंप्रूवमेंट आया ओबीसी स्टेटस देने के बाद में, तो ये रिव्यू रिपोर्ट जो है वो सरकार पेश करे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी मांग की है पिटिशनर ने। तो ये पूरा आर्टिकल था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जो मांग कर रही है किसानों को ओबीसी स्टेटस दिया जाए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे पीआईबी है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आज कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2018। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन पब्लिश करती है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट हर एक साल। तो देखो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 में यह पाया गया है कि इंडिया सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स को वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भेजता है, संख्या है 16.59 मिलियंस। तो याद रखिएगा इंडिया से सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जो है वो दूसरे देशों में जाते हैं, उसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का, और इंडिया के सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हैं मिडिल ईस्ट में, यूएई में। यूएई में इंडिया के 3.31 मिलियन माइग्रेंट्स हैं। अब देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ माइग्रेशन के क्षेत्र में मिलकर काम करती है। मेंबर स्टेट्स हैं 169 और 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। और हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखो आप दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कल हमने एडिटोरियल की वीडियो में डिस्कस किया था, आप एक बात बताइए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। फिर से बोलता हूं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है ये आपको बताना है। तो कल हमने ये डिस्कस किया था, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। एक और क्वेश्चन आप बताइए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, कल हमने डिस्कस किया था, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है सीमेंटेक कॉरपोरेशन के द्वारा। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा, रिवाइज मैंने आपको करवा दी। चलते हैं अभी अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल रेरा के बारे में है। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। क्या कंटेक्स्ट है, सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में अमेंडमेंट की है, और सरकार ने कहा है कि रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। पिछले साल सरकार ने यह एक्ट बनाया था। काफी बार ऐसी खबरें आती हैं कि बिल्डर्स के द्वारा कंज्यूमर्स को काफी एक्सप्लोइट किया जाता है, तो काफी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उनके हितों को बचाने के लिए। जैसे कि बिल्डर्स जो पैसा इकट्ठा करते हैं कंज्यूमर्स से, बिल्डर्स को 70% वो पैसा एक सेपरेट अकाउंट में जमा कराना होगा। इसके अलावा बिल्डर्स कंज्यूमर्स की सहमति के बिना
बिल्डिंग के प्लान को चेंज नहीं कर सकते और बिल्डर को सारी जानकारी, प्रोजेक्ट की सारी जानकारी सरकार को देनी होगी, अपने प्रोजेक्ट को सरकार से रजिस्टर करवाना होगा, अप्रूवल लेना होगा। तो इस तरह के काफी प्रोविजंस थे इस एक्ट के अंदर। अब सरकार ने कहा है कि इस एक्ट को एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये पूरा आर्टिकल था, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। शुरुआत से हम देख लेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लोकसभा में दो बिल पास किए गए हैं पुराने कानूनों को रिपील करने के लिए, जो कानून आज के हिसाब से इरिलेवेंट हैं। उसके बाद हमने ई सिगरेट्स के बारे में डिस्कस किया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने तीन ग्रुप्स बनाए थे, उन तीनों ग्रुप्स ने अपनी रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंप दी है। अब सरकार यानी हेल्थ मिनिस्ट्री सोच रही है कि ई सिगरेट्स को टैकल करने के लिए किस प्रकार से एक पूरे देश में यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए। उसके बाद हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जाना, व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग के बारे में भी जाना। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग। उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स को हमने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी फार्मर्स को OBC स्टेटस देने के लिए, यह भी हमने डिस्कस किया। PIB में हमने दो आर्टिकल्स डिस्कस किए, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 के बारे में जो कि जारी की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। और सबसे लास्ट में हमने RERA एक्ट के बारे में डिस्कस किया, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसको एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।